नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रजेंट एट टाइम टी वन ठीक ना ध्यान रखना ये टी वन प्रजेंट एन वन जो है प्रजेंट है तो ए वन इज टू ये आईसूट ये वाला जो कॉन्सेंट कौंसे, है वो यूज होता है डिस इंटीग्रेशन कॉन्सटेंट और एन वन यहाँ से एट टाइम जो है टी वन पे ठीक है टाइम यहाँ से टी वन इक्वेशन नंबर फॉर सिमिलरली जो ए टू है वो आ जाएगा लैमडा सेम रहेगा और एन टू तो जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई है टी वन और टाइम टी वन टी वन टाइम बाद रिमेनिंग वो है एन वन और उसकी वैल्यू आ जाएगी ए वन अपान लैमडा और टी टू टाइम बाद जो है वो है एन टू और उसकी वैल्यू आ जाएगी ए टू अपन लेमडा ऑबियसली जो टी एन वन है मस्ट बी ग्रेटर देन एन टू क्योंकि जब डी के हो रहा तो T1 है, time है, T1 है तो टी वन टाइम और टी टू जो है लॉन्ग टाइम है टी टू इज ग्रेटर देन यहाँ से टी वन है तो लंबे टाइम बाद जो बचा हुआ N1 है एन वन है तो ये तो ये कह रहा है तो डी के कितना हो गया डी के कितना मान लो पहले बीस के जी बचा होगा फिर पंद्रह के जी बचा है तो बीस माइनस पंद्रह तो डी के हो गया यहाँ से ए वन माइनस ए टू तो इतना जो है वो डी के हो गया मतलब ए वन माइनस ए टू अपना सी ऑप्शन सही है आई होप कि आपको मजा आ गया होगा